बिहार बोर्ड से जो भी 2024 में इंटर या मैट्रिक पास किए हैं, अब अपना मार्कशीट लेने के लिए तैयार हो जाएं। बिहार बोर्ड पूरे 3 महीने बाद अब मार्कशीट का वितरण जो है वो यहाँ पे करने जा रहा है, इंटर और मैट्रिक दोनों का। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे किस तरह से आपको मार्कशीट जो है वो अपने स्कूल से लाना है और अपने कॉलेज से लाना है। इसके लिए बिहार बोर्ड ने अधिसूचना जारी कर दी है। मार्कशीट बिहार बोर्ड का जिला स्तर पे स्कूल कॉलेज में मिलेंगे, यानी सभी जिलों में आपके स्कूल और कॉलेज में जो है वो आपको मार्कशीट जो है वो लाने के लिए जाना होगा। उसके लिए 2024 मार्कशीट का वितरण जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा और किस तरह से आपको मार्कशीट लाना होगा। आप चाहे तो खुद भी ला सकते हैं, या अगर आप खुद नहीं जा सकते हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके भाई, जो भी जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वहां पे दिखाना होगा तो ही आपको मार्कशीट मिलेगा। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, पूरी जानकारी यहाँ पे समझ लीजिए, उसके बाद मार्कशीट लाने आप लोग जाइएगा। किस दिन जाना होगा वो यहाँ पे समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यह अधिसूचना जारी की गई है कि बिहार बोर्ड से जो भी इस बार इंटर और मैट्रिक पास किए हैं 2024 में, पूरे 3 महीने बाद आप अपना अपना मार्कशीट जो है वो यहाँ पे ला सकते हैं। अब ध्यान देखेंगे मार्कशीट के साथ क्या क्या आपको लाना है, क्योंकि अगर आप बाद में लाते हैं तो आपको अलग से पैसा देना होगा, इसीलिए आपको एक बार में ही सारा डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है। सबसे पहले आपको मार्कशीट ले लेना है, उसके बाद जो SSC या CSE लेना चाह रहे हैं आगे के एडमिशन के लिए, जैसे कि अगर कोई 10th पास किए हैं 11th में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो SSC ले लीजिएगा, अगर 12th पास किए हैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप CLC यहाँ पे ले लीजिएगा। ठीक है, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट एक साथ ले लेने से आपका एक ही पैसा में आपका काम चल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जरूर से ले लीजिएगा, आगे का अगर सरकारी नौकरी या कोई भी नौकरी लगती है तो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, और ये वाला कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल कॉलेज से दिया जाता है वो आगे फ्यूचर में आपका काम आएगा, इसलिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगे हाथ आप ले लीजिएगा। ठीक है, तो ये 3 डॉक्यूमेंट आप अवश्य ले लीजिएंगे। उसके बाद देखिए बोला गया है इसके लिए जिला स्तर पर सरकारी और प्राइवेट स्कूल की सूची जो है वो यहाँ पे मांग ली गई है, और जिसमें जिला कार्यालय से स्कूल कॉलेज के प्रचार को संपर्क करना है, और वहां से स्कूल कॉलेज जो है वो आपका मार्कशीट लेकर आएंगे और उसके बाद जो है वो आपको वितरण करेंगे। आपको यही बता दें इसके लिए KYC का भी नियम जो है वो यहाँ पे लाया गया था। कुछ कॉलेज वैसे हैं जो इंटर पास वाले जो है वो KYC के बारे में बता रहे हैं कि आप KYC कीजिएगा तो आपको मार्कशीट दिया जाएगा। हालांकि सभी के लिए नेसेसरी नहीं है, लेकिन कुछ कॉलेज में KYC मांगा जा रहा है, बहुत सारे कॉलेज में लग रहा है, तो आप लोग कॉलेज में एक बार कंफर्म हो लीजिएगा क्या KYC जरूरी है, तो KYC के साथ जो है जाइएगा तो आपको मार्कशीट जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप बता दें किस दिन आपको जाना होगा, तो देखिए क्योंकि मार्कशीट जो है अब यहाँ पे आना शुरू हो गया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और कॉलेज को कॉन्टेक्ट में भी रहना है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मार्कशीट आप खुद लाने जा रहे हैं, अगर आप 12th का मार्कशीट लेने जा रहे हैं तो 12th का आपका जो एडमिट कार्ड है उसका फोटो कॉपी लेकर जाइएगा, या ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भी लेके जा सकते हैं। अगर आप 10th का लाने जा रहे हैं मार्कशीट तो 10th का आपका एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी या ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर आप खुद नहीं जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स जा रहे हैं लाने, तो उस कंडीशन में आपको जो है आपका आधार कार्ड जो है स्टूडेंट का होना चाहिए, या कॉलेज का आपका रसीद जो है वो वहां पे होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आप लेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्कशीट लेना है, SSC लेना है और आचरण प्रमाण पत्र लेना है, तो मार्कशीट तो आपको ऐसे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप SSC लेते हैं तो आपको स्कूल कॉलेज में नो ड्यूज का रसीद जो है वो वहां पे कटवाना होता है, जिसके लिए अलग से पैसा जो है वो चार्ज किया जाता है, वो आपके स्कूल कॉलेज पर डिपेंड करता है कितना पैसा लेगा, है ना, तो उसके लिए आपको रसीद कटवाना होता है। तो आपको SSC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मार्कशीट तीनों मिल जाएगा। ऐसे भी आप मार्कशीट लाने जाइएगा तो कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेगा ही लेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा नो ड्यूज का आपका रसीद कटवा लीजिएगा और उसके बाद जो है तीनों सर्टिफिकेट एक साथ लेकर आइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कब से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, तो जैसा कि यहाँ पे अधिसूचना जारी कर दी गई सभी स्कूल कॉलेज में 38 जिलों में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका मार्कशीट जो है जिला स्तर पे भेज दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको जिला स्तर पे मार्कशीट जो है वो यहाँ पे भेजा गया है, तो स्कूल कॉलेज में आपका
पाँच से छः दिन के अंदर जो है वो आपके स्कूल कॉलेज में मिलने लगेगा। हालांकि किसी स्कूल कॉलेज में आपका देर भी हो सकता है, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज जो है ज़्यादा अपडेटेड नहीं रखता है खुद को, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाने हैं वो देरी करता है, तो वहाँ देर से मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर आपका स्कूल कॉलेज अपडेटेड है तो पाँच से छः दिन में आपका मार्कशीट जो है आपके स्कूल कॉलेज में मिलने लगेगा। आप स्कूल कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ जो कंपार्टमेंट वाले हैं तो कंपार्टमेंट वाले का अभी पुराना मार्कशीट ही मिलेगा, नया मार्कशीट जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है या आपका विशेष परीक्षा का रिजल्ट आया है उसका मार्कशीट अभी तुरंत नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक से दो महीना का वेट करना पड़ेगा। तो जैसा कि यहाँ पर अधिसूचना जारी कर दी गई सभी स्कूल कॉलेज में 38 जिलों में भेजा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका मार्कशीट जो है जिला स्तर पर भेज दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिएगा आपको जिला स्तर पर मार्कशीट जो है वो यहाँ पे भेजा गया है, तो स्कूल कॉलेज में आपका पाँच से छः दिन के अंदर जो है वो आपके स्कूल कॉलेज में मिलने लगेगा। हालांकि किसी स्कूल कॉलेज में आपका देर भी हो सकता है, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज जो है ज़्यादा अपडेटेड नहीं रखता है खुद को, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट लाने हैं वो देरी करता है, तो वहाँ देर से मिलेगा। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर आपका स्कूल कॉलेज अपडेटेड है तो पाँच से छः दिन में आपका मार्कशीट जो है आपके स्कूल कॉलेज में मिलने लगेगा। आप स्कूल कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ जो कंपार्टमेंट वाले हैं तो कंपार्टमेंट वाले का अभी पुराना मार्कशीट मिलेगा, नया मार्कशीट जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है या आपका विशेष परीक्षा का रिजल्ट आया है उसका मार्कशीट अभी तुरंत नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक से दो महीना का वेट करना पड़ेगा। अगर आप 12th का मार्कशीट लेने जा रहे हैं तो 12th का आपका जो एडमिट कार्ड है उसका फोटो कॉपी लेकर जाइएगा, या ओरिजिनल है तो ओरिजिनल भी लेकर जा सकते हैं। अगर आप 10th का लाने जा रहे हैं मार्कशीट तो 10th का आपका एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी या ओरिजिनल लेकर जाना है। अगर आप खुद नहीं जा रहे हैं आपके पेरेंट्स जा रहे हैं लाने, तो उस कंडीशन में आपको जो है आपका आधार कार्ड जो है स्टूडेंट का होना चाहिए या कॉलेज का आपका रसीद जो है वो वहां पे होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आप लेंगे जैसे कि यहाँ पे देखिए मार्कशीट लेना है, SLC लेना है और आचरण प्रमाण पत्र लेना है, तो मार्कशीट तो आपको ऐसे मिल जाएगा। लेकिन अगर आप SLC लेते हैं तो आपको स्कूल कॉलेज में नो ड्यूज का रसीद जो है वो वहां पे कटवाना होता है, जिसके लिए अलग से पैसा जो है वो चार्ज किया जाता है। वो आपके स्कूल कॉलेज पे डिपेंड करता है कितना पैसा लेगा, है ना, तो उसके लिए आपको रसीद कटवाना होता है। तो आपको SLC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट मार्कशीट तीनों मिल जाएगा। ऐसे भी आप मार्कशीट लाने जाइए तो कुछ ना कुछ पैसा आपसे लेगा ही लेगा, तो आप कोशिश कीजिएगा नो ड्यूज का आप रसीद कटवा लीजिएगा और उसके बाद जो है तीनों सर्टिफिकेट एक साथ लेकर आइएगा, तो पांच से छह दिन में आपका मार्कशीट जो है आपके स्कूल कॉलेज में मिलने लगेगा। आप स्कूल कॉलेज से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। साथ ही साथ जो कंपार्टमेंट वाले हैं तो कंपार्टमेंट वाले का अभी पुराना मार्कशीट ही मिलेगा, नया मार्कशीट जो कंपार्टमेंट का रिजल्ट आया है या आपका विशेष परीक्षा का रिजल्ट आया है उसका मार्कशीट अभी तुरंत नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एक से दो महीना का वेट करना पड़ेगा। तो तब तक आपको जो ऑनलाइन रिजल्ट चेक किए थे वही मार्कशीट से कंपार्टमेंट और विशेष परीक्षा वालों को काम चलाना पड़ेगा, और जो फाइनल परीक्षा वाले हैं वो मार्कशीट जो है वो लाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सारी जानकारी आपको समझा दी गई है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आगे की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।